हमने अभी कोई सपोर्ट नहीं है, हमें और थोड़ा सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से। सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक का भी खेलेंगे, बाहर देशों में भी जाके खेलेंगे। अच्छा, अभी तो अभी इंडिया के लिए खेले हैं, अभी हम फिर अभी और तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आगे और भी खेलना चाहते हैं, पर थोड़े सपोर्ट की जरूरत है हमें। हम तो पूरा जी जान लगा के अपने इंडिया के लिए और खेलना चाहते हैं। मेरी वाइफ है तो वो भी रेडी लगाती है। अच्छा, वो भी रेडी लगाती है। अच्छा, और बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, तो मुश्किल तो है ही। अच्छा, पर हमने हार नहीं मांगी। अच्छा, अभी और भी तैयारी करेंगे, अभी और आगे खेलेंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं शिवाजी पार्क, और शिवाजी पार्क में देखिए, मैंने देखी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया भैया नांद वाले, इंडियन राजकुमार नांद वाले देखिए, और मिस्टर इंडिया का भी इन्होंने टाइटल जीता है। चलिए मिलते हैं मिस्टर राज से और पूछते हैं कैसा है यहाँ का जायका, कैसा यहाँ का डे, तो कैसा रहा इनका अभी तक का एक्सपीरियंस। तो हेलो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले तंदूरी जायका ऑफिशियल में, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो सर बताइए कुछ अपने बारे में, अपने स्टॉल के बारे में, अपने जायके के बारे में, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा? हमारा तो देखिए एक्सपीरियंस है, अब तो दो हो गया। अच्छा, पहले तो हम रेडी लगाते थे नान की। अच्छा, अभी भी लगा ही रहे हैं। अच्छा, और एक हो गया अपना जो मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग जो खेली है हमने। अच्छा अच्छा, तो उसमें भी हमने हासिल किया है। अच्छा, बट ये है कि अभी कोई हमारे को आगे अभी कुछ हुआ नहीं है, आगे कुछ मिला नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अभी यही उसी से काम चला रहे हैं। अच्छा, बट आगे अभी और खेलेंगे। अच्छा जी, अभी इसके साथ साथ अपना काम भी करना जरूरी है क्योंकि इसी से खर्चा चलता है हमारा। अच्छा, जब तक आगे और अभी और खेलेंगे, जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलता तब तक रेडी लगा रहे हैं। प्रॉब्लम सर ये है कि हम अगर दुकान बंद कर देंगे, अभी हमने और भी गेम खेलना है, हमारा खर्चा कहाँ से आएगा? तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, लोग बोलते हैं ठेला क्यों खोला हुआ है, कोई सरकारी जॉब क्यों नहीं कर ले, जो प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते हो? हमें कोई अभी सरकारी जॉब मिली नहीं है। मिली नहीं? अच्छा, तो हम इसी से अभी गुजारा कर रहे हैं, अपने खर्चा चला रहे हैं। अच्छा, अब बहुत बंदे पूछते हैं, हमने शुरू से ये काम किया है। अच्छा, हमको ये छोड़ने के मन नहीं है अभी। अच्छा, जब तक आगे कोई नहीं मिलता मुझे कोई कि हाँ आगे की लाइफ उसमें सेट हो जाए। अच्छा, तो हमने इसी में अभी आप गुजारा कर रहे हैं, अभी और भी आगे गेम खेलेंगे, अभी और भी बड़ी बड़ी गेमें हैं। अच्छा, दुनिया तो बहुत कुछ कहती है। अच्छा, पर हम अपने हिसाब से चल रहे हैं अभी। तो सर बताएंगे आपने कौन कौन सा टाइटल जीते अभी तक? हमने अभी नॉर्थ इंडिया जीता है। हाँ, मिस्टर इंडिया। अच्छा, मिस्टर दिल्ली। अच्छा, और मिस्टर हिमालया। अच्छा, ये सारे टाइटल आपने जीते हैं? सारे टाइटल मैं जीता हूँ। अच्छा, 2023 अप्रैल में। अच्छा, और उससे पहले मैं 3-4 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा, अब जाके मैं खेला हूँ। तो अभी कौन से कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं? कोई कॉम्पिटिशन है आगे कोई जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी कोई गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्ट नहीं मिला हमें। अच्छा, अभी कोई भी ऐसा कि चलो आगे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई। Okay. अभी ऐसा कोई कुछ भी नहीं आया हमारे पास, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी दुकान लगा के इसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे आपने काफी सारे टाइटल जीते, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला, कुछ बताएंगे उसके बारे में? गवर्नमेंट की तरफ से अभी मतलब जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए था उस तरीके से अभी नहीं मिला। अच्छा, बट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब मिल जाए तो हम अपने इंडिया के लिए ओलंपिक के लिए और आगे खेल सकेंगे और मेडल ले आ सकते, इंडिया के लिए लेके आ सकते हैं। और ऐसा है कि हमें अभी कोई सपोर्ट नहीं है, हमें और थोड़ा सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक का भी खेलेंगे, बाहर देशों में भी जाके खेलेंगे। अच्छा, अभी तो अभी इंडिया के लिए खेले हैं, अभी हम फिर अभी और तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आगे और भी खेलना चाहते हैं, पर थोड़े सपोर्ट की जरूरत है हमें। अच्छा, हम तो पूरा जी जान लगा के अपने इंडिया के लिए और खेलना चाहते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि और आगे जाके खेले। अच्छा, बस थोड़ी है कि हमें कोई सपोर्ट मिल जाए थोड़ी, उसके बाद हम और आगे खेलेंगे। अच्छा, तो आप बताएंगे आप जो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हो, अपना दिन कैसे शुरू करते हो, कुछ बताएंगे? एक्सरसाइज कब करते हो, ये काम कैसे प्रिपेयर करते हो, इस अपनी दिनचर्या? बॉडी बिल्डिंग जब तैयारी करते हैं, हाँ, सुबह उठ के हम 4 बजे उठ के पहले जिम जाते हैं अपना, वहाँ से वर्कआउट करने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर अपना रेडी के माल तैयार करना, रेडी पे खड़ा होके सेल्फ करना है। अच्छा, खाना सेल्फ करो। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से छूटो तो
मार्केट उड़की जाओ, सामान वामान ले आओ। अच्छा। रोज का सामान ले आना होता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद टाइम निकाल के जाओ जिम में। अच्छा। 10-11 बज जाता है जिम में। अच्छा, दो टाइम वर्कआउट? दो टाइम हो सकते हैं। अच्छा। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। अच्छा अच्छा। फिर बीच में 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है, रनिंग भी करना पड़ता है पार्क में जाके। अच्छा। फिर यहाँ भी देखना होता है। अच्छा। तो मुश्किल तो है ही। अच्छा। और हमने हार नहीं मांगी। अच्छा। अभी और भी तैयारी करेंगे, अभी और आगे खेलेंगे। मैं आपको स्कैन भी दिखा देता हूँ। स्कैनर ये देखिए, ये स्कैनर है, इससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इनको। तो सर लोकेशन बताएंगे क्या है? ये पंजाबी बाग शिवाजी पार्क। अच्छा। और नियर में है अपना पिलर नंबर 141। हाँ ये देखिए, ये शिवाजी पार्क में मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट सामने सरकार ये देखिए स्टॉल है। तो यहाँ पर आके आप सपोर्ट कर सकते हैं। टाइमिंग क्या होंगी? टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। सुबह 10 से 5 बजे? जी सर। तो हमारे साथ एक सर है, चलिए इनसे मिलते हैं। तो सर क्या नाम है आपका और कैसा लगा आपको यहाँ का जायका? मेरा नाम सुरेंद्र है। और जायका बहुत टेस्टी है, मैंने इनके छोले भी खाए, दाल मखनी खाए, जो कि बहुत टेस्टी है। अच्छा। और मैं बार बार आता रहता हूँ कई बार। अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मेरे को छोले और दाल मखनी। छोले और दाल मखनी है, देखिए क्या बढ़िया लग रहा है जायका। और हाइजीन का कोई इशू नहीं? कोई नहीं, बहुत हाइजीन बनाते हैं। हाइजीन बनाते हैं। और प्राइस महंगा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। और उसे कंपेयर अगर किया जाए तो? हाँ बिल्कुल, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल प्राइस में तो लोगों रिकमेंड करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे भाई साहब जो है, ये बॉडी बिल्डर है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग इनको सपोर्ट करें ताकि ये और आगे बढ़ सके और यहाँ पर आए ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। थैंक यू। तो ये देखिए कितने वाली प्लेट है भैया? 70 वाली। ये देखिए दोस्तों, ये 70 रुपीज वाली प्लेट बनाई जा रही है, भैया रेडी कर रहे हैं। क्या क्या होता है भैया इसमें? आलू नान है। आलू नान, कितने आलू नान होती है? 2 आलू नान आएगी। 2 आलू नान। और ये देखिए, ये देखिए बनाई जा रही है प्लेट। ये देखिए पनीर है, छोले है, और ये देखिए सैलेड डाले जा रहे हैं, सैलेड है। ये देखिए 70 रुपीज में देखो आपको क्या बढ़िया चीज मिल रही है। मुझे लगता नहीं 70 रुपीज में इतनी लोडेड थाली आपको कहीं मिलेगी। दोस्तों ये है आलू नान, 70 रुपीज में 2 मिलेगी आपको ये। तो फटाफट आ जाओ यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये मिली है मेरे को 70 रुपीज की नान। ये देखिए कहाँ पे, मिस्टर इंडिया राजकुमार नान वाले, इनके पास मुझे मिली है नान। देखिए 70 रुपीज में देखिए कितना बढ़िया जायका मिल रहा है यहाँ पे। चाय पे टेस्ट कर दे। पनीर का अलग जायका आ रहा है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, काफी अच्छी है। दाल मखनी काफी ऑथेंटिक है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड में जो बनाई जाती है ना दाल मखनी वैसी आ रही है, काफी जायकेदार है। आलू नान टेस्ट करते हैं छोलों के साथ। ये देखिए छोलों के साथ मैंने आलू नान लिए। नान बहुत बढ़िया है, काफी क्रिस्पी नान है। आलू बहुत अच्छे से, देखिए बैटर जो काफी अच्छे से लगाया गया है, आलू की जो स्टफिंग है वो काफी अच्छे से भरी गई है। सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छे लगे वो इनके छोले, पनीर का अच्छी है, दाल मखनी भी काफी अच्छी है, बट जो बढ़िया जो सबसे ज्यादा बढ़िया जायका लगा मुझे छोलों का लगा। आलू नान है, छोले का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। सैलेड देख लेते हैं, देखिए अचार है कुछ और सैलेड है, कॉम्बिनेशन है जो भैया थाली बना के दे रहे हैं। मुझे काफी अफोर्डेबल लगी है, काफी किफायती लगी है, काफी जायकेदार लगी है। तो आप लोग भी यहाँ आइए, जायके का आनंद लीजिए, और आपके जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिए। तो दोस्तों आज के जायके के सफर को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए जायके साथ नए सफर में। इसको लाइक में वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हिमाचल ग्रो सके। मैं आपको नए नए जायके दिखाता रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड वंदे मातरम। क्योंकि दोस्तों यही है इंडिया का जायका। तो ये लीजिए भैया आपके पैसे, पैसे मैंने दे दिए दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा लोगों को ये शिकायत होती है कि हम लोग यहाँ आके फ्री में खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पे करके खाते हैं। और भैया को मैंने जो उनका बनता है दे दिया, जो भी प्राइस था वो भी मैंने पे कर दिया। ओके भैया थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वंदे मातरम सुजला।